हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आप लोगों को पता है खेत में बहुत मेहनत कौन करता है? खेत मतलब फार्म। दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके के सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। पहचानो कौन करता है खेत में बहुत मेहनत? यस, पहचाना? किसान ना। किसान मतलब फार्मर। किसान मेहनत करके अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन नंबर 8, कृषक। ये पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चित्र वाचन, पिक्चर रीडिंग करना है, निरीक्षण करना है, पिक्चर का ऑब्जर्वेशन करना है। देखो बच्चों, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो, सेंटर में आनंद और खुशी दिखाई दे रहे हैं। दोनों खड़े हैं ना, क्या कर रहे हैं? आनंद और खुशी सैर करने के लिए खेत में आए हैं। सैर मतलब घूमना। घूमने के लिए दोनों खेत में आए हैं। खेत मतलब फार्म। देखो बच्चों, एक हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है, एक फार्म दिखाई दे रहा है ना, और एक कृषक दिखाई दे रहा है। कृषक मतलब किसान, फार्मर। ठीक है, उसके हाथ में क्या है? वो क्या चला रहा है? हल। वो हल चला रहा है, मतलब प्लगिंग करते हैं ना। किसान बीज बोने से पहले हल चलाकर मिट्टी को तैयार करता है, और ये हल चलाने के लिए, प्लगिंग करने के लिए बैल की जरूरत भी होती है ना। आपने देखा रहेगा पिक्चर में, टीवी में, गांव में। ठीक है, तो दो बैल भी दिखाई दे रहे हैं ना। बैल मतलब बुल। और एक कॉर्नर में बीजू का है। बीजू का मतलब स्केयरक्रो। जब ये पंछी आते हैं फसलें खाने के लिए, क्रॉप खाने के लिए, तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है ना। तो किसान क्या करता है? पक्षियों को डराने के लिए बीजू का खड़ा कर देता है। बीजू का मतलब पक्षियों को डराने के लिए एक आदमी के आकार का एक पुतला खड़ा करते हैं ना, देखा रहेगा आप लोगों ने। और एक तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब में दो बतख तैर रहे हैं ना, स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की खड़ी है। लड़का बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? वो एक पौधा लगा रहा है ना, प्लांट लगा रहा है। और लड़की खड़ी है, उसके बाजू में माँ खड़ी है। लड़के को माँ कुछ बता रही है ना, कुछ समझा रही है। ठीक है, तो बच्चों, इस तरह ये चित्र वाचन में क्या क्या है वो हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो रीड करेंगे। देखो, श्रवण, सुनो और दोहराओ। अच्छे से सुनना है और मेरे पीछे रिपीट करना है। वरदान, सावन, बरगद, बकरी, कस्तूरी, महक, चित्रा, चंचल, ऋतिक, उर्ण, प्रकृति, बुआई,
फसल, जोताई, वृक्षों, कृषक, बैल, हल, अनाज, झारा, लास्ट वर्ड है बेचू का। अभी कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वो सेंटेंस रीड करते हैं। आनंद और खुशी सैर करने खेत में गए। फर्स्ट सेंटेंस है, कृषक हल चलाता है। कृषक मतलब किसान। सेकेंड सेंटेंस, उसके पास बैल की एक जोड़ी है। बैल मतलब बुलक, जोड़ी मतलब पैर। दो बैल है ना चित्र में। थर्ड, लड़का पौधा लगा रहा है। पौधा मतलब प्लांट। माँ समझा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, खेत में बिच्छू का है। बिच्छू का मतलब स्केयरक्रो। तालाब में बतख है। बतख मतलब डक। किसान हमारा अन्नदाता है। दाता मतलब देने वाला। और लास्ट सेंटेंस है, खेत में फसल लहलहाती है। इस प्रकार इस पाठ में हम लोगों ने क्या देखा कि किसान हमारा अन्नदाता है। दाता मतलब देने वाला। तरह तरह की मुसीबतें आती है, फिर भी वो सब मुसीबतें झेलकर वे फसल उगाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। ये जो हार्ड वर्ड्स है वो आपके बुक में लिखने का है, रफ बुक में 5-5 टाइम्स। ठीक है, थैंक यू।